इन तीन वर्ड्स में क्या अंतर है? एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, या फिर पैंडेमिक क्या है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग. ऐसे करूं? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग एंड दैट्स मुकुट सिंह बिफोर यू. एंड टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जो कि है कोरोना वायरस के बारे में, जो हम लोग अक्सर भी फिर से सुन रहे हैं दैट इट इज़ कमिंग बैक. इज इट बैक और नॉट? मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ तक क्या असर करेगी. एग्जैक्टली आई एम नॉट द साइंटिस्ट, अदरवाइज वेरी एक्सपर्ट टू टॉक टू यू अबाउट दिस, बट सर्टेनली आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट थ्री वर्ड्स जो हमें कन्फ्यूज करते हैं इस चीज़ के बारे में. वो है थ्री वर्ड्स. फर्स्ट वन इज एपिडेमिक एंड सेकेंड इज एंडेमिक एंड द लास्ट वन इज पैंडेमिक. वॉट इज द मीनिंग ऑफ, वॉट इज द डिफरेंस? इन तीन वर्ड्स में क्या अंतर है? एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, या फिर पैंडेमिक क्या है? तो ये वर्ड्स कन्फ्यूज कर. एंडेमिक, पैंडेमिक, वॉट इज दिस एग्जैक्टली? वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हैं क्या. तो मैं आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम बात एंडेमिक के बारे में. देखिए बहुत आसान सा तरीका है इसको समझने का. ई एन डी एंड, तो एंड मतलब खत्म, यानी कि ये एक सर्टेन एरिया में या फिर सर्टेन लोगों के बीच में थोड़ा सा फैलेगी, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगी. दैट्स कॉल्ड एंडेमिक, राइट? एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. जो अगला है वो है हमारा एपिडेमिक. वॉट इज दिस? ये क्या है? एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब है कि एक सर्टेन रिलीजन, सर्टेन रीजन के बीच में होगा, सर्टेन कम्युनिटी के बीच में होगा. ये बहुत ज़्यादा इस तरीके लेवल पर तो होगा, लेकिन एक दायरे के अंदर होकर के ये खत्म होगा, राइट? एंड द लास्ट वन इज पैंडेमिक. और शायद ये वर्ड हम पिछले दो तीन साल से लगातार से सुन रहे हैं पैंडेमिक के बारे में. तो इसका देखिए पी मतलब, पी से याद रखिए आपकी पासपोर्ट. पासपोर्ट होगा तो बंदा कहाँ जाएगा? इंटरनेशनल जाएगा घूमने के लिए, इस कंट्री में, उस कंट्री में, यहाँ से वहाँ. तो सीधी सी बात है, अलग अलग कंट्रीज में जाकर के ये घूमेगा. तो ये क्या हो गया? ये हो गया पैंडेमिक. याद रखिए पैंडेमिक, पी पैंडेमिक, पी फॉर पासपोर्ट, यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज में जाकर के फैलेगा, आउटब्रेक होगा ये. तो ये आपके थ्री वर्ड्स हैं, पैंडेमिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक. मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको. एंडेमिक खत्म हो जाएगा बहुत थोड़े से दायरे में होकर के, फीवर टाइप की चीज़ें हो सकती हैं. नेक्स्ट इज एपिडेमिक, यानी कि ये एक सर्टेन कंट्री में होगा और एक रीजन में होगा. और जो एंडेमिक है, सॉरी नाउ द टाइम वो द लास्ट वन वॉज पैंडेमिक. पैंडेमिक का मतलब पासपोर्ट, यानी कि ये अलग अलग कंट्रीज में जाकर के फैलेगा. सो डोंट गेट कन्फ्यूज, यूज दीज वर्ड्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. यस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल for more details and informations like that. Thanks for watching.